जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत पनवाड़ी 11 वार्डों की ग्राम पंचायत में 3 प्रत्याशी सरपंच पद हेतु प्रत्याशी बने मैदान में हैं। वो 7 व 8 वार्ड नंबर के चुनाव होना है। 9 वार्डों में निर्विरोध चुनाव होना है। आने वाली 8 तारीख को 3 प्रत्याशी आमने सामने त्रिकोणीय संघर्ष में मैदान में हैं। प्रमुख रूप से पूर्व में सरपंच रही गुड्डी बाई के पति शांतिलाल मीणा मैदान में हैं, तो दूसरी ओर प्रहलाद मीणा मैदान में डटे हुए हैं, तो तीसरी ओर मोर्चे के रूप में विनोद पाटीदार ने अपना मोर्चा सरपंच पद हेतु खोल रखा है। आइए देखते हैं प्रत्याशी अपने गांव पनवाड़ी में किस प्रकार से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गरोड़ संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। कौन से गांव से लिए सरपंच के लिए प्रत्याशी बने? ग्राम पंचायत पनवाड़ी से। पहले आपके श्रीमती रही हैं यहाँ पे सरपंच? हाँ, गुड्डी बाई मीणा है ना। तो इस बार किस मुद्दे को लेकर के ना चुनाव मैदान में? अच्छे विकास किया है ना, अगर पब्लिक संतुष्ट होगा तो दोबारा अपन को मौका देगा। पहले क्या विकास कार्य अधूरे रह गए हैं? 2-4 सुदूर सड़क बाकी रह गए हैं, कुछ आवास बाकी रह गई, उसको पूर्ण करना है। जो कार्य अधूरे है उसको पूर्ण करना है, ये लक्ष्य है अपना। अभी तक क्या क्या काम किए हैं? 5-6 सुदूर सड़क बनी, बनाए, शेतला बना, कुएं खुदवाए, आवास भी बनी, सीसी रोड भी बने। अब क्या काम करना चाहते हो सरपंच के लिए? जो बाकी है उसको पूरा करना है। 2-4 तो सड़क सुदूर सड़क है। महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है? महत्वपूर्ण तो यही है, 2-1 सुदूर सड़क है ने थोड़ा सीसी रोड है, जो अपने पाटदार समाज के एक नेहरा की वो भी बाकी है थोड़ी, कुछ और गली मोहला रहा है उसको भी करना है। ग्राम पंचायत पनवाड़ी से सरपंच प्रत्याशी हैं? हाँ। तो किस बात को लेकर के आप प्रत्याशी बने और क्या गांव का विकास करने में क्या भूमिका रहेगी? हम गांव के हर नाली को हर महीने सफाई अभियान चलाएंगे। वह गांव में आज दिन तक कितने साल हो गए, 4-4, 5-5 सरपंच बन गए, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। जो भी व्यक्ति पात्र हैं उनको पेंशन दिलाएंगे। वह हर आदमी को प्रधानमंत्री आवास दिलाएंगे। गांव में बाजार में गांव-गांव में गौ माता भटकती फिरती हैं तो गौशाला बनाएंगे। स्वास्थ्य अस्पताल नहीं है वो बनाएंगे। हाई स्कूल जैसे कि गोपालपुरा पुण्याखेड़ी कराड़ियाखेड़ा का जो पनवाड़ी सेंटर है पीपिया राजा का, तो हाई स्कूल बिल्डिंग भी मंजूर करवाएंगे। और भी जो सुविधा होगी, कुएं सड़क सुदूर सड़क बनाएंगे। शमशान घाट नहीं है पनवाड़ी के अंदर, जो शमशान घाट बना के बाउंड्री वॉल बनाएंगे, वो भी जो सरकार योजना देगी वो सबको मुहैया कराएंगे। पुराने सरपंच ने कुछ किया कि नहीं किया? गाँव कुछ नहीं किया। आज भी आप गांव में देखो हर नाली 8 साल हो गए, एक भी दिन नाली साफ नहीं कर रही। और शमशान घाट देखो, बाउंड्री वॉल नहीं है, शमशान घाट नहीं है, हरिजन बस्ती में शमशान घाट नहीं है, दूसरा शमशान घाट की बाउंड्री वॉल नहीं बनाई है। और आज भी पनवाड़ी में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। वह